गोलू ढोलू और ड्रैगन, कथा एवं चित्र विजय मेहरा। पर ढोलू का विचार इन दोनों से अलग था। करंट लगने से इसकी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है इसके लिए, मैं भी तो इसकी भलाई चाहता हूँ। गोलू और इमरती ने भी कई नुस्खे आजमाए पर नतीजा जीरो। जो काढ़ा उसे पिलाया था वो उसने मेरे ऊपर ही उल्टी कर दिया। लगता है कि हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गोलू, शायद भोला को अब यहीं रहना होगा। ढोलू उन दोनों की बातें सुन रहा था। आए, इन दोनों ने तो हार मान ली और अब ये उस भोला के बच्चे को परमानेंट करने के चक्कर में है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस कंबख्त का ऐसा इलाज करूंगा कि या तो ठीक होकर अपने घर चला जाएगा या यहाँ से भाग जाएगा। ढोलू ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी और बेचारा भोला बहुत केले खाता है बच्चू, अब जरा केले के छिलके का भी मजा ले ले। अरे मैं फिसला। अरे भोला देखकर। बेचारा भोला बड़ी जोर से अलमारी से जा टकराया और आई। वाह क्या सीन है। गलत बात है डोलू भैया। अरे भाई तू क्यों पड़ा है इस मासूम के पीछे। ये दोनों तो बहुत टांग अड़ा रहे हैं, इन्हें भगाना होगा। पर ढोलू को उन्हें भगाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ढोलू भैया, हम दोनों इमरती भाई के घर जा रहे हैं, वहाँ कुछ और किताबें हैं जिनमें शायद भोला का इलाज मिल जाए। आप भोला को तंग मत करना। हाँ हाँ बेफिक्री से जाओ, तंग नहीं करूंगा, बस इलाज करूंगा, वो भी पक्के वाला। ढोलू ने मैदान साफ पाकर तुरंत अपना बैट उठाया और भोला को लगा पुकारने। भोला कहाँ है तू, जल्दी आ जा, देख ढोलू भैया तेरे लिए क्या लाए हैं। बढ़िया बढ़िया, गर्मा गर्म डंडा फलूदा, वो भी रबड़ी वाला। मुझे जी दिखाकर चिढ़ा रहा था, आज तो इसकी जमकर सताई करूंगा, बस एक बार आ जाए। भोला ने ढोलू की आवाज सुनी तो वो चौंक गया। अरे बाप रे, ये ढोलू भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं? कुछ गड़बड़ लगती है, गोलू भैया और इमरती भाई भी यहाँ नहीं है। अब क्या करूं, छुप जाना ही ठीक रहेगा। पर छुपू कहाँ, जहाँ ढोलू भैया मुझे ढूंढ ना पाए। ढोलू ने पूरा घर छान मारा पर उसे भोला कहीं नहीं मिला। आखिर कहाँ चला गया, कंबक किचन और स्टोर रूम में भी नहीं है। मुझे उसे आवाज नहीं लगानी चाहिए थी, रात में घर से बाहर वो जाएगा नहीं, है तो पक्का घर के अंदर ही। गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया है, आराम से बैठकर सोचता हूँ। ढोलू जैसे ही सोफे पर बैठा अचानक उसके सिर पर कुछ टपका। अरे ये क्या, ऊपर नजर पड़ते ही ढोलू बुरी तरह से चौंक गया। है ऊपर पंखा पकड़कर भोला लटका था। बाप रे, ढोलू भैया ने मुझे देख लिया, मैं पेस्ट्री लाया ही क्यों, हाथ में बैठ लिए खड़े हैं, इनके इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। अच्छा तो यहाँ छुपा है, चुपचाप नीचे उतरा भोला, वरना बहुत मार लगाऊंगा तुझे। नहीं ढोलू भैया, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, ठहर अभी पंखा चलाता हूँ, फिर पके आम की तरह सीधा मेरी झोली में टपकेगा तू। नहीं ऐसा मत करो। पर ढोलू ने एक न सुनी और पंखा चला दिया। भोला चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही ढोलू ने उसे घेर लिया। हाय मेरा सिर चकरा गया। अभी कहाँ चकराया है बेटा, अब चकराएगा जब इस बैट से तेरी तबीयत हरी करूंगा। बीमारी का बहाना बनाकर मेरे बेवकूफ भाई को मूर्ख बनाकर बहुत मुफ्त का माल उड़ाया है तूने, अब ले भुगत नतीजा।
ऐसा कहकर ढोलू ने एक जोरदार वार भोला को रसीद कर दिया और दूसरा वार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो हुआ जो ढोलू ने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे बाप रे! और नतीजा बड़े कमाल का निकला, ढोलू का हुलिया ही बदल गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तभी गोलू और इमरती भाई भी वापस आ गए और वहां का नजारा देखकर चौंक गए, तो भोला ने उन्हें सारी घटनाएं कह सुनाई और फिर, कितनी गलत बात है ढोलू भैया, हम आपके भरोसे भोला को छोड़ गए और आपने उस पर बैत से हमला किया। ओ यार, तू आदमी है या पजामा? आखिर तू इसके पीछे पड़ा क्यों है? इससे पहले कि ढोलू कुछ बहाना बना पाता, भोला बोल पड़ा, ढोलू भैया को मत डांटिए गोलू भाई, इमरती अंकल, ये तो बस मेरी बीमारी का इलाज कर रहे थे और हम सब इन्हें गलत समझ रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अब वापस भी जा सकता हूँ। क्यों, सच? वाह, शुक्र है, जान छूटेगी। और फिर भोला ने ली उन सब से विदा। अच्छा डोलू गोलू भैया, इमरती अंकल, मैं चलता हूँ, आप लोगों की बड़ी याद आएगी, हमें भी आएगी भोला, अपना ख्याल रखना, बाय। और फिर, सॉरी ढोलू भैया, हमने आपको गलत समझा। हाँ यार ढोलू, मुझे भी माफ कर देना, पर ये तो बता कि तुझे इलाज सूझा कैसे? अब थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। अरे तुमने ही तो बताया था शॉक ट्रीटमेंट, पर कितना रहा कि तुमने हार मान ली, पर मैंने नहीं। रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल से अब हमें सोने जाना चाहिए, पर ढोलू भैया, आप सोने से पहले अपना मुंह जरूर धो लेना। हाँ, वरना सुबह तू खुद शीशे में अपनी सूरत देखकर भूत भूत चिल्लाने लगेगा। कम्बक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये कम्बक भोला जाते जाते भी मेरा मुंह काला कर गया, दो चार जोरदार डंडे और लगाने की हसरत भी दिल में ही रह गई। चलो कोई नहीं, कम से कम उससे पीछा तो छूटा, यही बहुत है मेरे लिए। ये कम्बकत गोलू और इमरती, ये दोनों के दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इनसे तो मैं अगली किसी कहानी में निपट लूंगा। फिलहाल तो जाकर मुंह धोता हूँ और चैन से सोता हूँ। अच्छा दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।